नमस्कार दोस्तों, वाहन भंडार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सबके लिए एक एंटिक ट्रैक्टर लेके आया हूँ। ये आइसर का 221 मॉडल का ट्रैक्टर है। ये 1969 मॉडल है और ये आज भी रनिंग कंडीशन में है और लगभग पूरा का पूरा ये ओरिजिनल है। चलिए मैं इस ट्रैक्टर के बारे में और चीज़ें बताऊँ। ये मेड इन जर्मनी है और ये आज भी फर्स्ट ओनर गाड़ी है, तो आप समझ ही सकते हैं कि इस गाड़ी से कितना लगाव है मालिक को। और अब मैं आपको इस ट्रैक्टर की कुछ खासियत बताता हूँ और इसमें क्या क्या चीज़ें उस ज़माने में आया करती थी ट्रैक्टरों में, वो चीज़ें अब मैं दिखाता हूँ आपको। तो अगर हम सामने से शुरू करें तो सामने से ये ट्रैक्टर कुछ इस तरह दिखता है। इसमें सबसे खास चीज़ इसका सामने का एक्सल है। ये पूरा का पूरा एक्सल कमानी पे बना हुआ है, ये आप देख ही रहे हैं वीडियो में, ये कमानी पे बना हुआ है। और ये इसमें खासियत ये है कि इससे ट्रैक्टर को झटके नहीं लगते हैं सामने की ओर, इसमें झटके नहीं लगते, ये सस्पेंशन के तौर पर काम करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप सामने देखेंगे ये इसमें हैंडल लगता है और ये हाथ से स्टार्ट हो जाता है और ये सामने टो करने के लिए। और जब आप ऊपर की ओर आएंगे यहाँ पे सामने की तरफ तो यहाँ पे आइसर की बैजिंग हुआ करती थी, आइसर का लोगो लगा रहा करता था। और यहाँ साइड में हेडलाइट थी दोनों साइड में। और उसके बाद ये इसकी टाई रॉड है। फिर इधर हम आएंगे तो इसमें एक सिलेंडर का सिंगल सिलेंडर इंजन है जो कि पूरा का पूरा एयर कूल्ड है। इसमें कोई अलग से लिक्विड या वाटर पानी डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये इसका पंप है, नोजल प्लंजर। और फिर उसके बाद अब मैं आपको यहाँ पे आके दिखाता हूँ, ये जो है ये इसका साइलेंसर है। इस ट्रैक्टर में साइलेंसर नीचे की ओर ही आया करता था। ये यहाँ पे इसका फ्यूल टैंक है, यहाँ पे डीजल आता है। और उसके बाद यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा, ये इसका स्टेयरिंग है, यहाँ पे मीटर आया करते थे, मीटर अब नहीं है। और ये जो आप देख रहे हैं ये इसका स्टार्ट करने का हैंडल है, यहाँ पे ये इसका गियर सिस्टम है। ये सीट भी आप देख रहे हैं पूरे के पूरे लोहे की है और वही पहली की सीट है। ये इसका क्लच, उधर वो ये ब्रेक है और ये हाँ पैर का एक्सीलेटर है। और चलिए मैं आपको अब इसका एयर फिल्टर दिखाता हूँ जो कि उस ज़माने में किस तरह आता था। ये आप देख रहे हैं इसका एयर फिल्टर, ये भी पूरा का पूरा लोहे का बना हुआ है, बस इसे खोल के साफ किया जाता है। और इस ट्रैक्टर की खासियत ये है कि इसमें डीजल का खर्चा बहुत ही कम है, ना मात्र के बराबर, जो कि आज के भी आइसर ट्रैक्टर आ रहे हैं 241 उनसे भी कम है। और मैं अब आपको इसके पीछे लेके चलता हूँ। यहाँ पे इसकी बैक लाइट आया करती थी। अब उसके बाद इधर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे इसका इस ट्रैक्टर में जो लिफ्ट आया करती थी यहाँ पे, वो यहाँ पे पहले एक जैक लगा रहा करता था, उसके थ्रू ये चला करती थी। मैं आपको दिखाता हूँ इसमें और एक खास चीज़, ये जो इसका ब्रेक है ये लेदर शू ब्रेक है जो कि पूरा का पूरा लेदर से ही रुकता है ये ट्रैक्टर। और उसके बाद मैं और चीज़ बताऊँ इसमें, इसमें पहले से ही इंडिकेटर नहीं आते थे, इस ट्रैक्टर में इंडिकेटर नहीं आते थे। और इसका जो ट्रैक्टर का गियर फंक्शन है ये सिर्फ़ एक सिंगल एक गियर है, जैसे और ट्रैक्टर होते हैं उसमें हाई लो का भी होता है, तो इसमें हाई लो का गियर फंक्शन नहीं है। और फिर ये जो है ये जो आप देख रहे हैं लीवर, ये इसका ब्रेक का लीवर है। और इस ट्रैक्टर में एक खासियत ये भी है कि ये ताकत बहुत अच्छी लगाता है और ट्रैक्टरों के मुकाबले, इसलिए भी मालिक ने इसे अभी तक संभाल के रखा है। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें,
शेयर करें, सब्सक्राइब करें।